आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खजूर और ड्राई फ्रूट से बनी मिठाई खजूर रोल, जिसे खजूर बर्फी भी कहा जाता है। इसे आप किसी भी त्योहार में बना सकते हैं या फिर इसे व्रत में भी खाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लता और आप सबका हमारे चैनल फूडीज रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फूडीज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करें। खजूर रोल बनाने के लिए हमने यहाँ हांडी का यूज किया है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें डालेंगे खजूर। यहाँ हमने रेगुलर खजूर ली है, इसमें से सीड्स निकाल के रखे हैं और इसे इस तरह से बारीक पीसेस में काट के रखा है। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। हमने यहाँ 500 ग्राम खजूर ली है। अब खजूर को हमें बीच बीच में मिलाते रहना है और ये जब तक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और बीच बीच में इसे मिलाते रहना है। अब फ्रेंड्स, इसमें यहाँ अगर आपको लगे कि थोड़ा सा घी कम है तो इसमें आप थोड़ा सा घी ऐड करके फिर इसे भुनें। खजूर जितनी अच्छे से मैश होगी उतना ही खजूर रोल का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब फ्रेंड्स, इसे बनाते टाइम आपको मोटे तले वाले बर्तन का यूज करना है। बर्तन अगर मोटे तले का होगा तो खजूर की जो कुकिंग प्रोसेस है वो अच्छे से होगी, यानी कि ना ही खजूर तले पर चिपकेगी और ना ही जलने का डर रहेगा। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे बीच बीच में मिलाते रहना है और करछी की हेल्प से इस तरह से इसे मैश कर लेना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसे मिलाते हुए इस तरह से हमें 30 से 35 मिनट का समय लग गया था। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि खजूर और ड्राई फ्रूट दोनों ही खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं। ये प्रोटीन से भरपूर हैं और इनमें काफी मात्रा में आयरन मिलता है, जो कि सर्दी के मौसम में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इस डिश की खास बात यह है कि इसे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। आप इसे ट्रैवलिंग के टाइम पे भी लेके जा सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्दियों के मौसम में उनके लंच बॉक्स में हर रोज 1 से 2 पीस दे सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से मैश हो गई है। अब इस टाइम इसमें डालेंगे मिल्क मेड। 500 ग्राम खजूर के सामने हमने यहाँ 1 कप मिल्क मेड लिया है, जिसे कंडेंस मिल्क भी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम काजू और बादाम। यहाँ हमने आधी कटोरी काजू लिए हैं, जिसे इस तरह से छोटे पीसेस में काट के रखा है, और आधी कटोरी बादाम ली है। इसे डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ हमने काजू और बादाम को इस तरह से छोटे पीसेस में काट कर डाला है। आप चाहें तो इसे अलग से पैन में 1 चम्मच घी डालकर इसे हल्का सा भून लें और इसके बाद इसमें डालें। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक ये मिल्क मेड अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये देखिए, ये मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इस टाइम हम गैस बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट किचन प्लेटफॉर्म को इस तरह से थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर खजूर का थोड़ा सा मिक्सचर डालकर इसे अच्छे से रोल कर देना है। अब फ्रेंड्स, ये प्रोसेस हमें खजूर का मिक्सचर जब गर्म होता है तभी करनी है, इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से करें। अगर खजूर का मिक्सचर ठंडा होने के बाद ये प्रोसेस करेंगे तो इसका अच्छे से रोल नहीं बनेगा। खजूर रोल को कुछ लोग खजूर बर्फी के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में आप अपने मेहमानों को ये पौष्टिक और स्वादिष्ट खजूर रोल बनाकर खिला सकते हैं। ये देखिए, हमारे सारे रोल इस तरह से बनकर तैयार है। अब नेक्स्ट यहाँ हमें सिल्वर फॉयल लेना है और इन सारे रोल को एक एक करके इसमें रखेंगे और इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको इसे जल्दी यूज में लेना है तो आप इसे आधे घंटे के लिए डीप फ्रिज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 घंटे के बाद अभी अच्छे से सेट हो गए हैं। आइए अब इसके पीसेस कर देते हैं। अब जब इसे हम फ्रिज में से निकाल के इस तरह से कट करते हैं तब ये हल्के से सख्त रहते हैं,
लेकिन एक बार जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तब ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। ये देखिए हमने सारे खजूर रोल इस तरह से कट कर दिए हैं। अब आखिर में इसे ड्राई कोकोनट पाउडर से अच्छे से कोट कर देंगे और मिला लेना है। आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये हमारे ड्राई फ्रूट से भरपूर खजूर बर्फी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।